Hello everyone. We are studying SST Social and Political Life Part 1, Class 6, Chapter 2, Diversity and Discrimination. Today we are studying third part of this chapter and we are continue our story about the inequality and discrimination. We have already read that people who are poor do not have to resource or दी मनी टू मीट दे आर बेसिक नीड्स ऑफ फूड कि वह लोग जिनके पास अपनी बेसिक नीड्स के लिए फूड के लिए भी क्या होता है पर्याप्त पैसा नहीं होता है जो गरीब होते हैं नाउ वी विल कंटिन्यूएट क्लोथिंग एंड सल्ट और उनके पास कपड़े नहीं होते और घर भी रहने के लिए नहीं होता है दे एक्सपीरियंस डिस्क्रमनेशन इन ऑफर्स और उनको क्या होता है डिस्क्रिमिनेशन फील होता है मतलब उनको इसका एक्सपीरियंस होता है इन हॉस्पिटल्स स्कूल ई टी सी ऐसा कब्ज कहाँ कहाँ होता है ऑफिस में होता है हॉस्पिटल्स में होता है और स्कूल्स में होता है वेअर दे आर ट्रीटेड बैडली बिकॉज दे आर पुअर वहाँ पर उनको बुरी तरह से ट्रीट किया जाता है क्यों क्योंकि वे गरीब होते हैं सम पीपल मे एक्सपीरियंस बोथ काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन कुछ लोग होते हैं जिनको दोनों ही तरह का डिस्क्रिमिनेशन फील होता है दे आर पुअर एंड दे आर बिलोंग टू ग्रुप एक तो वो गरीब होते हैं और दूसरा वो किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं हुज कल्चर इज़ नॉट वैल्यूड जिनका जो कल्चर है वो वैल्यूड नहीं होता और जिसके बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं होता लोग ज़्यादा जिसको इम्पोर्टेंस नहीं देते ट्रीबल्स सम रिलीजियस ग्रुप एंड इवन पर्टिकुलर रिलीजियन आर डिस्क्रिमेंट अगेंस्ट फॉर वन और मोर ऑफ़ दीज रीजन और एक से अधिक धर्म कई बार क्या होते हैं इस तरह से डिस्क्रिमशन के अंदर आ जाते हैं इन द फॉलोइंग सेक्शन वी विल लुक एट हाउ अ फेमस इंडियन विमिनेटेड अगेंस्ट और इसमें हम देख रहे हैं कि एक फेमस जो इंडियन जो है जो भारतीय जो हर जगह फेमस होता है वो किस तरह से डिस्क्रिमिनेटेड होता है ठीक है दिस विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द वे इन विच कास्ट वाज यूज टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल और ये हमें हेल्प करेगा ये जानने के लिए कि कौन सी ऐसी कास्ट हैं जिनमें बहुत सारे लोग होने के बाद भी उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है ऑन बींग डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट पीपल आर इंगेज इन डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क लोग अलग अलग तरह के कामों में इंगेज होते हैं लाइक टीचिंग कारपेंट्री Poetry, weaving fishing farming etc to earn a livelihood kis liye apne jeevan ko chalane ke liye however certain kind of work are valued more than other कई बार ऐसा होता है कि कुछ कामों को दूसरे कामों की तुलना में ज़्यादा importance मिलती है Activities like cleaning, washing, cutting hair. पिकिंग ग्रे बैग आर सीन एज टास्क दर ऑफ लेस वैल्यू बहुत सारे ऐसे काम है जिनको क्या करते ऐसा समझा जाता है कि इनकी कोई वैल्यू नहीं है कौन कौन सी एक्टिविटीज आप देखने देखी यहाँ पे लाइक वॉसिंग कटिंग हेयर पिकिंग द ग्रे बैग पीपल हु डू थिंक दिस वर्क आर सीन एज डर्टी और इन प्योर लोगों को लगता है कि ये काम गलत है गंदा है साफ सुथरा नहीं है दिस बिलीव इन एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम और इससे क्या होता है लोगों के अंदर कास्ट सिस्टम को लेकर के एक अलग ही धारणा बन जाती है इन द कास्ट सिस्टम कास्ट सिस्टम के अंदर कम्युनिटीज़ ग्रुप ऑफ पीपल वर प्लेस इन अ सॉर्ट ऑफ लेडर तो लोगों की जो कम्युनिटी होती है उसको एक सॉर्ट ऑफ लेडर यानी कि आप कह सकते हैं सात सीढ़ी के खेल की तरह सीढ़ियों की, की तरह यूज किया जाता है वेयर ईच कास्ट वाज एदर अबाउ और बिलो द अदर जिसमें क्या होता है हर कास्ट या तो दूसरे से ऊपर होती है या नीचे होती है दोज हु प्लेस दैम सेल्फ एट द टॉप ऑफ दिस लेडर वो लोग जो अपने आप को इस लैडर में सीढ़ी में सबसे ऊपर समझते हैं कॉल दैम अपर कास्ट उनको क्या कहा जाता है अपर कास्ट कहा जाता है लेट सी वन मोर थिंग अमन स्टेडाइप अबाउट सम मुस्लिम इन दैट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन एजुकेटिंग गर्ल्स एंड देयर फॉर डू नॉट सेंड गर्ल्स टू स्कूल एक कॉमन स्टेरफिक्स है यानी कि एक और अवधारणा है कि कहते हैं कि जो मुस्लिम लोग होते हैं ना वो अपनी जो गर्ल्स चाइल्ड होते हैं उनको ज़्यादा स्कूल भेजना पसंद नहीं करते हाउ एवर स्टडीज है नाउ सो दैट प्रोविडेंट अमॉन्ग मुस्लिम इन अम्पॉटेंट रीज़न वाई मुस्लिम गर्ल्स डू नॉट अटेंड स्कूल और लोगों को लगता है इसका पीछे एक कारण है कि मुस्लिम जो गर्ल्स होती हैं वो अपने स्कूल को प्रॉपर अटेंड नहीं करती हैं और ड्रॉप आउट फ्रॉम द स्कूल आफ्टर अ फ्यू ईयर या फिर जो स्कूल जाती हैं वो कुछ ही सालों में स्कूल जाना बंद कर देती हैं वेन एवर एफर्ट हैज़ बीन मेड टू रीच एजुकेशन टू द पुअर देयर द मुस्लिम कम्युनिटी हैज़ शो एन इंटरेस्ट इन सेंडिंग देयर गर्ल्स टू स्कूल तो लोगों ने बोला कि भाई गरीब लोगों के बच्चों को स्कूल भेजो जिससे कि क्या होगा मुस्लिम लोग भी अपने बच्चों को स्कूल भेजने स्टार्ट करेंगे फॉर एग्जाम्पल इन द स्टेट ऑफ केरला द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द होम इज़ नॉट मच एग्जाम्पल की हम कह सकते हैं कि केरला के अंदर क्या है स्कूल और घरों के बीच में जो दूरी है वो बहुत कम है यानी वहाँ पर स्कूल्स बहुत पास पास हैं देर इज़ द बिग गवर्नमेंट बस सर्विस दैट हेल्प टीचर रीच स्कूल इन रूरल एरिया वहाँ पर गवर्नमेंट की बस चलती है जो क्या करती है टीचर्स को स्कूल तक रूरल एरिया तक पहुँचाने में हेल्प करती हैं एंड आवर सिक्सटी परसेंट ऑफ द टीचर्स आर वुमेन और क्योंकि उनकी जो सिक्सटी परसेंट टीचर्स है वो क्या है वुमेन है दीज फैक्टर्स हैव हेल्प चिल्ड्रन फ्राम पुरर फैमिलीज और इससे क्या होता है जो गरीब फैमिलीज के लोग हैं उनको भी हेल्प मिलती है इंक्लूडिंग मुस्लिम गर्ल्स अटेंड स्कूल इज मच लार्जर नंबर इससे क्या होता है जो मुस्लिम लड़कियाँ थी उन्होंने अधिक न संख्या में स्कूल को ज्वाइन किया इन अदर स्टेट और दूसरे राज्यों में वेअर सच एफर्ट्स हैव नॉट बीन मेड जहाँ पर ऐसे एफर्ट्स नहीं किए गए चिल्ड्रन फ्राम पुरर फैमिलीज गरीब फैमिली के जो बच्चे थे वेन एवर मुस्लिम ट्रिबल्स और सो कॉल्ड लोअर कास्ट चाहे वो मुस्लिम थे अन्य जाति के थे या फिर निची जातियों के थे फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू अटेंड स्कूल उनको स्कूल अटेंड करने में मुश्किल हुई देयर फॉर प्रवर्टी नॉट रिलीजियन इन द केस ऑफ नॉन अटेंडेंस ऑफ मुस्लिम गर्ल इन स्कूल और क्यों क्योंकि उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि भाई मुस्लिम गर्ल्स जो है स्कूल अटेंड्स नहीं करती हैं वी हैव ऑलरेडी सीन कि जो लेडर्स के अपर में होते हैं वो अपने आप को अपर कास्ट कहते हैं एंड साथ दैन सेल्फ एज ए सुपीरियर अपने आप को बहुत ही महान समझते हैं द ग्रुप हु वर प्लेस एट द बॉटम ऑफ द एज अनवर्थली एंड कॉल्ड अनकाउंटेबल ओके तो जो लोग नीचे की तरफ होते हैं सी में सबके नीचे उनको बोलते हैं ये तो यूजलेस या अनवर्थली इनकी कोई वैल्यू नहीं है या फिर ये अनटचेबल है इनको छुआ नहीं जा सकता या उनकी गिनती करना ना के बराबर है इस तरह से लोग मानते हैं कास्ट रूल्स वर सेट विच डिड नॉट अलाउ द सो कॉल्ड अनटचेबल कास्ट रूल्स में ये भी सेट कर दिया है कि भाई जिन लोगों को हम छू नहीं सकते हैं ना उनको अनटचेबल बोल दो टू टेक ऑन वर्क उनके काम के लिए अदर देन वाट दे वर मीन टू डू और वो उनके उनसे उनके, उनके काम से मतलब है बाकी उनके लिए उनकी कोई वैल्यू नहीं होती मतलब अपर कास्ट के लोगों के लिए ओके okay? फॉर एग्ज़ाम्पल समर फोर्स टू पिक ग्रे बैग एंड रिमूव डेड एनिमल फ्राम द विलेज एग्जाम्पल क्यों देखते हैं वो लोग जो कचरा उठाते हैं या फिर जो मरे हुए जानवरों को गाँवों से उठाते हैं बट दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द होम लेकिन उनको घर के अंदर आना अलाउ नहीं करते हैं ऑफ द अपर कास्ट जो ऊँची जाति के लोग होते हैं वो और टेक वाटर फ्राम द विलेज वेल उनको ऐसा बोलते हैं कि आप कुं से पानी भी मत लो और इवन एंटर टेम्पल मंदिरों में मत जाओ दे आर चिल्ड्रन कुड नॉट सिट नेक्स्ट द चिल्ड्रन ऑफ़ द अपर कास्ट अदर इन द स्कूल ओके तो जो अपर कास्ट के बच्चे हैं उनके पास में उनके बच्चों को बिठाते भी नहीं हैं दस अपर कास्ट एक्टेड इन वे विच डिड नॉट गिव द सो कॉल्ड अनटचेबल इस तरीके से उन्होंने क्या दे दिया उन्होंने एक समरी दे दी इस तरह से बोल सकते या कह सकते हैं इस तरह से एक धारणा बन गई कि भाई ये अनटचेबल है डोंट टच दैम सेम राइट एज दे इंजॉयड और उनको वो सारे अधिकार नहीं मिलते हैं जो कि बाकी बच्चे इंजॉय करते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया डॉक्टर भीमराव जो अम्बेडकर है वो भारत के एक महान नेताओं में से हैं शेयर हिज फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने अपना एक, एक पहला एक्सपीरियंस शेयर किया जहाँ पे उनको क्या हुआ ये जातिवाद फील हुआ विच टुक प्लेस इन नाइनटीन जीरो वन जो कि जब कब हुआ था उन्नीस सौ एक में वेन ही वाज जस्ट नाइन ईयर ओल्ड जब वो केवल नौ साल के थे ही हैड गॉन विद हीज़ ब्रादर एंड कज़न टू मीट हीज़ फादर वो उन्हें अपने भाइयों के साथ जाना था और कज़न के साथ किसके लिए अपने फादर को मिलने के लिए इन करंगो विच इज़ नाउ इन महाराष्ट्र जो कि अभी कहाँ है महाराष्ट्र में है लोंग डिड ही वी वेट उन्होंने बहुत लंबा इंतजार किया बट नो वन टर्नडअप लेकिन कोई नहीं मुड़ा एंड आवर अरेस्ट एंड दस स्टेशन मास्टर केम टू इंक्वायरी एक घंटा होने के बाद स्टेशन मास्टर ने आया इंक्वायरी की ही आस्ट प्लस फॉर आवर टिकट उन्होंने हमसे हमारे टिकट के बारे में पूछा वी साउटेड दैम ही साउटेड दैम टू हिम हम उस पर चिल्लाए ही आस्ट वाई वी टैरिंग उन्होंने पता क्यों चिल्ला रहे हो भाई वी टोल्ड हिम दैट वी वर बॉन्ड फॉर कैंग एंड दैट वी वर वेटिंग फॉर फादर ऑफ हिज सवेंट टू कम बट दैट नेदर हैीच हिम लेकिन किसी ने हमारी तरफ नहीं देखा और हमें नहीं समझ में आ रहा है कि हम वहाँ कैसे पहुंचेंगे वी वर वेल ड्रेस चिल्ड्रन हम अच्छी तरह से तैयार हुए बच्चे थे फ्राम अवर ड्रेसेज अपने कपड़ों से एंड टॉक नो वन कुड मेक आउट दैट वी वर चिल्ड्रन ऑफ़ द अनटचेबल कि कोई भी नहीं समझ सकता था कि हम क्या हैं अनटचेबल कैटेगरी के बच्चे हैं इन डिड द स्टेशन मास्टर वाज क्वाइट श्योर वी वर ब्राह्मण चिल्ड्रन यहाँ तक कि जो स्टेशन मास्टर था वो भी अपने आप में श्योर था बिल्कुल कि हम ब्राह्मण के बच्चे हैं एंड वाज एग्जैक्टली टचड और हमें छुआ जा सकता है एट द पिल्ड इन विच ही फाउंड अस जब तक कि उसने ऐसा नहीं पाया एज इन यूजल अमोंग द हिंदूज और लगभग सभी ब्राह्मणों में से द स्टेशन मास्टर आस्टर्स हु वी कि हम कौन थे विद आउट अवमेंट थ्रू आई ब्रस्ट आउट दैट वी आर महाराज कि हम कौन है हम मेहर हैं मेहर इज वन ऑफ द कम्युनिटी विच वर ट्रीट विच वर प्री एंड अनटचेबल जिन्हें क्या होता था अनटचेबल काउंट करते थे इन द बॉम्बे प्रेजिडेंसी बॉम्बे प्रेजिडेंसी में ही वाज स्टंड वो रुक गए